हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक वाटर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे WPS वाईफाई को हैक कैसे करें। हाँ फ्रेंड, WPS वाईफाई को हैक कैसे करें। तो फ्रेंड, आप यहाँ यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो सर्च कर रहे होंगे कि यहाँ पर हाउ टू हैक WPS वाईफाई ऑन एंड्रॉयड 10। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो आया है, लेकिन यहाँ मैं इस वीडियो के देखने के बाद वाईफाई हैक नहीं होता है। यहाँ पर तो बता देता है कि ऐसे करिएगा वाईफाई हैक हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा है, व्यू भी ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल हो चुका है, 2.1 मिलियन व्यूज आए। तो फ्रेंड, इस वीडियो के देखने के बाद आपको यहाँ पर किसी और वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि WPS आखिर वाईफाई को कैसे हैक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से में जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड आपको WPS ऐप डाउनलोड करना। तो फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि इस ऐप से मैंने वाईफाई हैक किया, लेकिन नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसीलिए इंस्टॉल कर लेना। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ से ओपन करना। तो फ्रेंड, ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो फ्रेंड, आप फर्स्ट बार इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर अलाउ करना पड़ता है, तो आप अलाउ कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही नेटवर्क आया है, जो ये आया है ये मेरा वाला है। मैं अपनी पड़ोसी का आपको हैक करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, थोड़ा सा वीडियो को पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक होल 69 आया है। ये मेरा पड़ोसी का वाईफाई, इसे हैक करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वाईफाई हैक होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पर देख सकते WPS इनेबल। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप ये सेकेंड वाली कनेक्ट विथ पिन यहाँ पर क्लिक करना, जिसके बाद यहाँ पर ट्राई ऑल पिन। इसके बाद आपका फ़ोन अगर रूट है तो आप ट्राई टू कनेक्ट रूट में क्लिक करना। अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है फ्रेंड, तो आप नो वाला में ही क्लिक करना। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो चुका है ट्राई टू कनेक्ट विथ पिन, यहाँ पर ट्राई हो रहा है। तब तक फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पिन फेल हो चुका है, दूसरी पिन ट्राई हो रहा है। अब मैं यहाँ पर देख सकते राउटर डज नॉट रिपोर्ट डक्शन, यानी कि राउटर इसे रिपोर्ट डक्शन नहीं कर रहा। तो फ्रेंड, ये वाईफाई हैक नहीं हो सकता है। आपको मैं यहाँ पर 70 पिन है पूरी की पूरी, मैं आपको दिखाने वाला इसकी। अगर वीडियो को मैं पेस्ट नहीं करूंगा तो फ्रेंड बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अब फ़िलहाल तो नहीं करूंगा, आप देखना। लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो वो ज़रूरी नहीं, सबसे ज़रूरी है कि कैसे होता है वो सीखना। चाहे 2 घंटे लगे या 4 घंटे, आप सीखना।
तो फ्रेंड आपको साउंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शादी हो रहा है ना, इसीलिए वीडियो भी बनाना ज़रूरी था, इसीलिए ये साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड 2 मिनट में वीडियो को पेश कर रहा हूँ, ये हैक नहीं होने वाला लगता है शायद। तो फ्रेंड आप वीडियो को पूरी देखिए, आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि WPS वाईफाई हैक कैसे होता है। तो वीडियो को मैं पेश कर रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई टू कनेक्ट विथ पिन, यहाँ पर ये 10वां पिन ट्राई हो रहा है। तो फ्रेंड वीडियो को पेश कर रहा हूँ क्योंकि आपको यकीन हो जाए कि वीडियो फेक नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसीलिए फ्रेंड आप तो समझ सकते हैं। फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ पर 13वां पिन आ रहा है, 13 नंबर का। तो फ्रेंड ये देखिए ट्राई टू कनेक्ट विथ पिन, 15 पिन इसने ट्राई कर दिया है, अब 2 ही पिन बचा है, देखते हैं कि ये हैक होता है या नहीं। आपका पूरा यकीन हो जाएगा कि WPS वाईफाई कैसे हैक होता है। तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड एक बात के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर शादी हो रहा है, वीडियो भी बनाना ज़रूरी था, इसीलिए साउंड प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मैं अपने घर से दूर आकर वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी साउंड यहाँ पर आ रहा है, माइक लगाए है 2-4 इसीलिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट फेलेड। तो फ्रेंड इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो फ्रेंड इसके लिए आपको अपनी राउटर को बैक साइड में आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैक एड्रेस के नीचे यहाँ पर वायरलेस पासपोर्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर ये रेड कलर का लाइन है, यहाँ पर W देखिए, यहाँ पर वायरलेस पिन, यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर है ये वाला, यही पिन आपको नोट करना है, या किसी और का वाईफाई हैक करना चाहते तो उसके लिए 2 मिनट के लिए कैसे करके भी ये WPS पिन आपको पता करना होगा। तो यहाँ पर और शहर वाईफाई में यहाँ पर देख सकती है टिपलिंग का दूसरा यहाँ पर है, लेकिन ये फुल HD फोटो नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये नोट कर लेना। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी नहीं पड़ोसी का वाईफाई राउटर का WPS पिन पता है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है नेटवर्क पर, जिसके बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला है कनेक्ट विथ की, यहाँ पर क्लिक सॉरी फ्रेंड यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम पिन, यहाँ पर क्लिक करना है ये थर्ड वाला पर, यहाँ पर आपको इसके बाद अपनी राउटर का पिन डालना है। ये दूसरा पिन है WPS पिन, तो यहाँ पर आपको अगर आपका फ़ोन रूट है तो कनेक्ट विथ रूट, नहीं है तो पता ही होगा कनेक्ट विथ नो रूट, जिसके बाद फ्रेंड यहाँ पर सीधे नो रूट में डालकर कनेक्ट करना। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट सक्सेसफुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाईफाई हैक हो चुका है। तो फ्रेंड ऐसे ही करके आप वाईफाई को हैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। तो फ्रेंड सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना।